Okay, good morning. So we are starting today your first class of Cost and Management Audit, exclusive classes for CMA final. Okay, in this we will provide you two volume of books. Volume 1 is now here for your reference. Volume 2 will come up once we complete volume 1. We must first know the breakup of the subject from your institute material, which is cost audit 35%, management audit 15%, internal audit, operational audit and other related issues are 25%, case study on performance analysis are 25%. Now these breakups are given, but it's not necessary that institute will compulsory follow this breakup. Means paper exam mein pura 100 mark ka ikattha hi rehta hai, mila jula ke rehta hai. एंड वहां पे ऐसा आप एग्जैक्ट ब्रेकअप खोज नहीं पाएंगे. 35% क्या है, 15% क्या है, 25% क्या है, 25% क्या है. बट फिर भी आपको इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि हाँ मुझे यहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है. जैसे कॉस्ट ऑडिट क्या है, वो सारा का सारा एक जनरल नेम से आपको समझ में आता है, बट उसमें कॉस्टिंग काफी है. कॉस्टिंग को लेकर ही कैलकुलेशंस है जिसको लेकर कॉस्ट ऑडिट किया जाता है. मैनेजमेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट इज हमारा जो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट्स हैं, वो लोग कंपनी को मैनेज कर पा रहे कि नहीं उसका ऑडिट हो रहा है. इंटरनल ऑडिट इट इज ओवरऑल सिस्टम का ऑडिट, एवरीथिंग व्हाट एवर गोज इन इंटरनली सबका ऑडिट है. इसमें अकाउंट्स से लेकर जितने कंट्रोल सिस्टम्स आप बैठा रखे हो सबका असेसमेंट होगा कि सब सारे सिस्टम आपके ठीक से काम कर रहे कि नहीं. ऑपरेशनल ऑडिट इज कनेक्टेड टू योर ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड अदर रिलेटेड इश्यूज आर बेसिकली और क्या क्या कॉस्ट ऑडिटर ध्यान दे सकता है कंपनी के ऊपर, उसके ऊपर बात है. और केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या है, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जो एक कॉस्ट ऑडिटर को इन जनरल अपने काम करते वक्त करना पड़ता है. वो सारा कैलकुलेशंस इकट्ठा करके हमने एक और चैप्टर बना दिया. ठीक है, तो आइडियली कॉस्ट ऑडिट करते वक्त एक ऑडिटर को बहुत सारा कैलकुलेशंस करना पड़ता है रिपोर्ट बनाते वक्त. वो सारे कैलकुलेशंस आपका इकट्ठा करके एक चैप्टर बना दिया है, समझ लीजिए केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस, जिससे एग्जाम में आपको दो क्वेश्चन पक्का मिलता है. ठीक है, हम लोग वॉल्यूम 1 में फोकस करें नंबर ए कॉस्ट ऑडिट पर, नंबर बी हम लोग फोकस करें अदर रिलेटेड इश्यूज पर, यहां पे जो अदर रिलेटेड इश्यूज दिया हुआ है, और नंबर सी केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस पर. ठीक है, तीन चीज पे हमारा मेन फोकस है, कॉस्ट ऑडिट, अदर रिलेटेड इश्यूज और केस स्टडी ऑन परफॉर्मेंस एनालिसिस. ये हमारा वॉल्यूम 1 का पढ़ाई है, यानी इनिशियल पढ़ाई हम लोग इसी से शुरू करेंगे. फाइन, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट. यहां पे जो ब्लैंक पेज है इसमें आप आके लिखिए इंपॉर्टेंट स्टैट्स. इम्पॉर्टेंट स्टैट्स, कुछ मजेदार और इम्पॉर्टेंट स्टैट्स आपको बता रहे हैं. इस सेगमेंट में, कॉस्ट ऑडिट के सेगमेंट में आपको पढ़ने पड़ेंगे 6 रूल्स. देर आर 6 रूल्स, 4 फॉर्म, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 13 GACAPs, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 31 कॉस्ट रिकॉर्ड्स, 4 कॉस्ट
ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स यानी CAAS, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। क्या क्या है? 6 रूल, 4 फॉर्म, 24 कैस, 13 GACAP, 31 कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड 4 कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। प्रैक्टिकल एकदम, इतना चीज आपको पढ़ना ही पढ़ना है अभी। ओके, इस वॉल्यूम में कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स नहीं रखा गया है इस वॉल्यूम में। ओके, बट बाकी सब इसी वॉल्यूम में पढ़ना है और इससे जुड़े हुए ही कैलकुलेशन है। बस इन शॉर्ट, इससे जुड़े हुए सारे कैलकुलेशन है। ठीक है, अब ये बात आ रही है रूल्स फॉर्म्स कौन बना रहा है। ये रूल्स और फॉर्म्स आपका कंपनीज एक्ट से बन के आ रहा है इन द नेम ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स। कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ठीक है। ये ऑडिट रूल्स टाइम टू टाइम मॉडिफाई होते रहते हैं। आपका भी लेटेस्ट इंस्टीट्यूट मैट रिवाइज हो क्या है, उसमें 2017 तक का अमेंडमेंट दिया हुआ है। मैं एक कदम और आगे निकल गया, मैं 2018 तक का ले लिया। ठीक है, तो कई कई जगह मैंने 17 वाला चीज को भी बदल दिया, 18 में जो जो चेंजेस आ गया वो बदल दिया। तो जहां जो किया मैं आपको बता दूंगा कि मैंने कहां पे क्या क्या किया। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट मैट में 17 तक का अमेंडमेंट है, हम लोग एक कदम और आगे हैं। क्योंकि आप आज क्लास देख रहे हैं बट आपको अब एग्जाम देंगे, आपको पता नहीं है, तो इट्स बेटर दैट लेटेस्ट पढ़ो आप, जितना ज्यादा लेटेस्ट है वही पढ़ो। ठीक है, 18 वाला भी ऑफिशियली एप्लीकेबल हो चुका है, इंस्टीट्यूट मैट में अपडेट नहीं किया है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट मैट अभी आया है, ठीक है, अभी आने के बावजूद अपडेटेड नहीं है, बट हमने अपडेट कर दिया आपको। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, ये कंपनीज एक्ट के अंडर में आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन लिखता है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स GACAP, ये कौन लिखता है? ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ऑफ इंडिया CASBI, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये बोर्ड कौन बना रखा है? ये बोर्ड मिनिस्ट्री से बनाया जाता है, वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर में ये बोर्ड बैठता है। और ये बोर्ड आपका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और GACAP लिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। इस बोर्ड में कौन कौन दिग्गज लोग बैठते हैं आपको पता है? हु आर द एमिनेंट पीपल हु सिट इन दिस बोर्ड? बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूएंट आपको बताते हैं। जैसे गवर्नमेंट के जितने मिनिस्ट्री हैं, ओके, और उस मिनिस्ट्री को मैन्युफैक्चरिंग या कोई गुड्स एंड सर्विसेज से लेना देना है, तो सारा मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेटिव, जैसे इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर्स का मिनिस्ट्री, जैसे टेलीकॉम का, ठीक है, फिर फार्मा का, पेट्रोलियम का, आयरन एंड स्टील का, ऐसे कोल का, ऐसे रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं कुछ, वो सबका मिनिस्ट्री है। तो वो मिनिस्ट्री बैठता है। कुछ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स हैं हमारी कंट्री में, उसका भी रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन होता है अगर कोई, तो रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन से कोई अपॉइंट किया जाता है। देन सेबी से का एक जन आता है, RBI से एक जन आता है, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से, कंपनी सेक्रेटरी से, फिर टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में जो लगता है कि आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वैसे इंडस्ट्रियलिस्ट, टॉप यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स जो आके इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको, और भी कोई और पर्सन जो लगता है कि इस ग्रुप को स्ट्रांग बना सकता है, तो उनको सिलेक्ट करके ये बोर्ड बनाया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके रिलेटेड अभी पहले एक जमाने में आपके बुक में क्वेश्चन भी आता था, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, बट अब फाइनल में वो क्वेश्चन नहीं आते।
तो मैं आपको उसका इन डेप्थ लिखा नहीं रहा, जस्ट नॉलेज बता रहा हूँ. ओके, ये आपको अगर जानना हो तो आपका इंस्टीट्यूट मैट इंटर का अगर पढ़ा हुआ आपके पास, उसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट करके एक चैप्टर था कॉस्टिंग सब्जेक्ट में, उसमें जाके पढ़ सकते हो. उसमें सब लिखा हुआ है, फाइनल का मैट में नहीं लिखा हुआ, बट फिर भी सर ने आपको एक जनरल आइडिया के लिए बता दिया. दिग्गज लोग बैठते हैं सारे, तो वो लोग मिलके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और जीएसीएपी लिखते हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हुआ? वो गाइडलाइंस है जिसके बेस पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे. गाइडलाइंस है जिसके बेस पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे. अगेन ये गाइडलाइंस है, ये मैंडेटरी नहीं है. व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अ गाइडलाइन, इट इज नॉट अ मैंडेटरी प्रिंसिपल कि आप यहां पे जो लिखा हुआ है वो फॉलो नहीं किया तो आपको जेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है. नाउ व्हाट हैपेंस इन कंपनीज? कंपनीज में डू कॉस्ट अकाउंटिंग एज पर देयर ओन इंटरप्रिटेशन. ओके, इट इज ऑलवेज अलाउड. व्हेन कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड, इट इज हिज ड्यूटी टू सी इफ देयर इज एनी डिविएशन इन कंपनीज अकाउंटिंग एंड व्हाट इज रिटन इन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ठीक है, अगर कुछ डिविएशन मिलेगा तो वो वहां पे क्वालिफाई कर देगा. क्वालिफाई करना समझते हैं कि ऑडिट में, हाँ, अपना कमेंट लिख देगा कि यहाँ पे थोड़ा मिसमैच लग रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ अलग तरह से समझाता है और कंपनी कुछ अलग तरह से कर रहा है, तो वो क्वालिफाई कर देगा. फिर क्वालिफाई जैसे ही करेगा तो एज अ मैटर ऑफ रूल ऑडिट का बेसिक्स आपको थोड़ा बहुत पता है, तो जो कंपनी का बोर्ड है उसको उस क्वालिफिकेशन पर अपना कमेंट्स देना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों किए. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ और लिखा हुआ है और आप, हम ऐसा क्यों किए, हमारा ये कारण है. अगर वो कमेंट एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक है, फिर रूल बोलता है वही चलते रहना चाहिए, फिर बदलना नहीं अगला साल. तुम ऐसा चला रहे हो, चलाओ. बट बनाया किस लिए गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम किस लिए बनाए हैं? Why we have made this cost accounting standards? Confusions को avoid करने के लिए, interpretation में uniformity लाने के लिए, interpretation में uniformity लाने के लिए. आप जैसे costing समझते हो वैसे ही दुनिया वाले सब समझे, आप जैसे costing समझते हो वैसे ही दुनिया वाले सब समझे. ठीक है, मतलब we want a common interpretation of cost accounting everywhere. ओके, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन. कॉस्ट रिकॉर्ड्स क्या है वो? कॉस्ट रिकॉर्ड्स जैसे आप लोग अपने अकाउंट्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते हो, जिसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट भी बोलते हैं, है ना? राइट, यू प्रिपेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और यू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या होता है? जैसे कि जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर कैश बुक होता है, डे बुक्स होता है, अदर डे बुक्स होता है, फिर पीएल बैलेंस शीट तो होता ही है. करेक्ट, सो वॉट वी डू इज वी प्रिपेयर डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट. वैसे ही अगर हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना है तो हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, कौन कौन सा रिकॉर्ड बनाना है, तो इसका गाइडलाइन यहां पे दिया हुआ है. तो कितना रिकॉर्ड बनाना होता है? 31 रिकॉर्ड बनाना होता है, मतलब 31 स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, ऐसा बोल सकते हैं. अब वो स्टेटमेंट्स हम लोग के पढ़ाई के लिए है, रियल वर्ल्ड में हो सकता है 31 बुकलेट्स हो, 31 बुकलेट्स भी हो सकता है रियल वर्ल्ड में. हम लोग के पढ़ाई में 31 स्टेटमेंट्स आपको बनाने हैं, 31 स्टेटमेंट बनाना है. और आप नहीं बनाओगे तो कोई जेल नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है. तो कॉस्ट ऑडिटर आएगा, वो चेक करेगा इतना रिकॉर्ड्स बना है कि नहीं, और अगर नहीं बना है तो वो क्वालिफाई करके जाएगा. आपको कमेंट करना होगा कि आप क्यों नहीं बनाए, तो आप बताइएगा कि मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, कोई उससे खास इंटरप्रिटेशन नहीं आ रहा था इसलिए नहीं बनाए. बट एनी हाउ देर आर सम लीगल कंडीशंस एज वेल. जैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने का लॉ लिखा हुआ है कि आपको, जैसे आपको बताएं फॉर इंस्टेंस कंपनीज एक्ट में आप पढ़ते हैं ना, हर कंपनी को अपना फाइनेंशियल अकाउंट्स का कुछ कुछ रिकॉर्ड्स बनाना ही पड़ता है और उसको 8 साल तक प्रिजर्व करना पड़ता है, ऐसा मालूम है? 8 साल तक हम लोग प्रिजर्व भी करते हैं. वैसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी बनाना ही पड़ेगा, कंडीशन लगा रहे हैं. हाँ, अब ये बात जरूर है, कंपनीज एक्ट में हर कंपनी के ऊपर लगा दिया है जितना कंपनी रजिस्टर्ड है, बट
कॉस्ट और रिकॉर्ड्स का कंडीशन जितना कंपनी रजिस्टर्ड है उनके ऊपर नहीं लगाया गया, फिल्टर कर लिया है। जिनको फिल्टर करके हम लोग आइडेंटिफाई किए उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना ही है। अगर वो नहीं बना रहे तो उनके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए जो वो अपने ऑडिटर को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, कि वो क्यों नहीं बना रहे। तो ऑडिटर अकॉर्डिंगली अपना कमेंट लिखेगा और वो कमेंट को फिर सेकेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट मान गया तो ठीक है, नहीं माना तो आप मॉडिफाई करो, ठीक है। सो 31 कॉस्ट रिकॉर्ड्स है और 4 कॉस्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स है। ये किस लिए है? ये आपका कॉस्ट ऑडिटर के लिए गाइडलाइंस है कि आपको कॉस्ट ऑडिट करते वक्त क्या क्या चीज का ध्यान रखना है, कैसे अश्योर करना है कि आपका कॉस्ट ऑडिट इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये हुआ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न विथ मी इन दिस सब्जेक्ट। नाउ एक चीज और बताते हैं बिफोर आई एंटर इन टू द कोर सब्जेक्ट, एक चीज और बताते हैं। जैसे आप ऑडिटर वर्ड मतलब समझते हो कि ये एक ऐसा एक्सपर्ट है जिसका काम है रिकॉर्ड्स को सर्टिफाई करना कि ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। याद आता है ऐसे ही पढ़ते हैं ना, ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। उसका रोल यही है, अगर कुछ गड़बड़ है तो क्वालिफाई कर दे, गड़बड़ है तो ठीक नहीं करे, ऐसे ही बोलते हैं ना। गड़बड़ है तो क्वालिफाई कर दे, गड़बड़ नहीं है तो अपना कमेंट्स लिख के आ जाए, दैट्स ऑल। ही इज ओनली सपोज टू कमेंट वेदर इट इज शोइंग ट्रू और फेयर व्यू और नॉट, राइट। दैट्स जनरली इन केस ऑफ ऑडिटर। बट वेन इट इज अ कॉस्ट ऑडिटर, वी आर नॉट सेइंग दैट यू हैव टू ओनली वाउच फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। वी हैव इंक्रीज्ड हिज स्कोप। वी आर नॉट सेइंग दैट यू जस्ट नीड टू हैव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। आपको और भी आगे जाना है, आपको एनालिसिस करना है कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट सबमिट करने हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कंपनी को कि कहां कहां उनका प्रॉब्लम्स है प्रोडक्टिविटी का या एफिशिएंसी का और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। देखो नॉर्मल ऑडिटर का ये रोल नहीं था। नॉर्मल ऑडिटर का रोल है हम आएंगे, आप क्या किए हैं जल्दी निकालिए, हम देखेंगे, वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे, जो ठीक लगा ठीक लगा, जहां डिविएशन लगा हम कमेंट करके चल जाएंगे, ठीक है। अब कॉस्ट ऑडिटर को ये तो करना ही है विद रेस्पेक्ट टू कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, बट उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी डाली हुई है कि आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करना है, आपको प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एनालिसिस भी करना है और सजेशंस देने हाउ दे कैन इम्प्रूव ओवर द थिंग्स। और ये सारा का सारा बातचीत कॉस्ट ऑडिटर लिख कर एज पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहां एक फॉर्म है, फॉर्म पढ़ाएंगे आपको तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट आएगा, उसमें फिलअप करके कंपनी को देगा और कंपनी वो फॉर्मेट में जो जो कमेंट्स लिखा हुआ है उसको पढ़ेगा, उसके प्रति अपना क्या विचार है उसका वो भी लिखकर फॉर्मेट प्लस कंपनी का कमेंट दोनों मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर थ्रू दिस एक्सरसाइज ऑफ कॉस्ट ऑडिट पूरा कंट्री का जो टॉप मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज है उनके ऊपर कुछ कंट्रोल लाना चाहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना कंसर्न्ड है देश के लिए कि वो जानना चाहता है कि मेरे देश के टॉप कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वहां पे उनको कोई डाउट आउट लगा तो वो फिर ऑब्जेक्शन रेज करेंगे। समझ में आ रहा आपको? तो मेनली मतलब गवर्नमेंट ऑफ कंट्री भी कंसर्न्ड है ये जानने में कि परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, ओके, स्पेशली फॉर सम फिल्टर्ड कंपनीज। गवर्नमेंट सबका में इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता है, सम फिल्टर्ड कंपनीज में गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि हम भी जाने,
हमें भी पता चले, हमें भी सारा खबर आए कि हमारे देश में कंपनी कैसा चल रहा है। इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, जैसे ये कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है, एक और चीज बताओ आप, हु कैन डू कॉस्ट ऑडिट? हाँ, हु कैन डू कॉस्ट ऑडिट? चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी। तो ओनली एंड ओनली कॉस्ट एंड, मतलब बेसिकली कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से क्वालिफाई करते हैं, और उस क्वालिफाई करने के बाद मेंबरशिप लेते हैं, मेंबरशिप लेने के बाद सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड करते हैं। तीन बातें, क्वालिफाई करना है, मेंबर भी होना है, और एक्टिव सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी लेके रखना है, ठीक है। वो कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट का कोई फॉर्म हो सकता है, और कंपनी बहुत बड़ा है तो मल्टीपल फॉर्म्स मिलकर कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। अकेला आदमी भी हो सकता है, उसका फॉर्म भी हो सकता है, और अगर बड़ा कंपनी है तो मल्टीपल फॉर्म, बड़ा कंपनी है तो मल्टीपल फॉर्म्स भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन है इसमें जो यहाँ किताब में आएगा कि नहीं मुझे याद नहीं है, किसी जगह पर दूर दूर तक कॉस्ट अकाउंटेंट है ही नहीं, तो क्या करें, कैसे हम कॉस्ट ऑडिट कराएं? कॉस्ट अकाउंटेंट तो उतने क्वालिफाई नहीं है जितने बाकी प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आपकी कंपनी इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करेगी कि मुझे अलॉट करो, और अगर इंस्टीट्यूट भी अलॉट नहीं कर पाया तो फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से परमिशन लेकर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी करा सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एक्सेप्शन रूट बता रहा हूं आपको, बट प्राइमरीली कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा, हमेशा कॉस्ट अकाउंटेंट ही करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट को एक रोल दिया गया गवर्नमेंट में, एक इंपॉर्टेंस दिया गया। जब मैं ये लंदन वाला कॉस्ट अकाउंटेंट का डिग्री लिया, यानी CIMA, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, उधर नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट का मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे एक पार्ट आता है ना मैनेजमेंट ऑडिट, वैसे मैनेजमेंट ऑडिट से जुड़ा हुआ वहां पे मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट नाम रख दिया। तो मैं उनको चिट्ठी लिखा कि इंडिया में अगर हम कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमें कॉस्ट ऑडिटर का काम मिलता है, यहाँ का लॉ में कॉस्ट ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट है, और एक कंपनी को आफ्टर मीटिंग सर्टेन क्राइटेरियाज कंपलसरी कॉस्ट ऑडिट कराना पड़ता है। तो इस तरह से कॉस्ट अकाउंटेंट पास करने के बाद एक स्कोप है, अर्निंग स्कोप है। तो मैं वहां पे चिट्ठी लिखा कि आप हमें भी बताएं कि अब तो हम आपके इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने जा रहे हैं, तो वहां पे एक कॉस्ट अकाउंटेंट बनने का, यानी मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने का ऐसा क्या स्कोप है? तो उधर से रिप्लाई आता है, ऐसा कोई स्कोप नहीं है, इधर यहां का लॉ में कोई कंपलसरी कॉस्ट ऑडिट नहीं है, कॉस्ट ऑडिट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर वो दिखाया कि हाँ, आप जो पढ़े हैं उसका नॉलेज का कंपैरेटिव एनालिसिस किया कि आपका जो नॉलेज है वो बाकी कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट का नॉलेज से बेहतर है, बट वो नॉलेज काम का क्या जब आप आमदनी नहीं दोगे? तो उसका कोई जवाब उनका नहीं था। मतलब सीखने का चीज क्या है इससे कि UK अभी डेवलप्ड नेशन हो चुका है, तो वहां का गवर्नमेंट अज्यूम कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं या जो सर्विस प्रोवाइडिंग एंटरप्राइजेज हैं, उनका अपना वर्किंग्स इतना स्ट्रांग है कि आई डोंट नीड एनी एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट टू गो एंड वाउच फॉर देम। गवर्नमेंट अज्यूम कर रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है हम किस उसमें क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, मान लेंगे सब अच्छा चल रहा है, बट इंडिया में अभी भी ऐसा डेवलपमेंट आया नहीं है, लोग अभी भी डेवलपिंग है। तो गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान रखना चाह रहा है कि ये लोग कर क्या रहे हैं, इंडिया को तरक्की पे ले जा रहे हैं कि डुबा रहे हैं, ठीक है। एंड एक और कारण है इसका कि मोस्ट ऑफ टॉप इंडस्ट्रीज
जो इन टॉप इंडस्ट्रीज मतलब टॉप कंपनीज जो मैसिव प्रोडक्शन वगैरह करता है वो सब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग ही है ना, पीएसयूज ही तो है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट को टेंशन है ज्यादा कि कुछ तो गड़बड़ करता ही होगा, तो ऑडिटर को रखवा के अपन थोड़ा परफॉर्मेंस एनालिसिस ही करवा लें इनका, हमें पता तो चले कि यहाँ हो क्या रहा है। ईमानदारी से करे कोई तो बड़ा अच्छा पढ़ाई भी लग रहा है देख के, कि हाँ हम जाके एक कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस एनालिसिस भी करके आएंगे, ना कि सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन करेंगे। करेक्ट?